मुर्दा जल रहा है, खाना पीना भी नहीं गट के खिला रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर जहां तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहां बाढ़ के चलते अब लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। आलम यह है कि लोगों को सड़कों पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। दारागंज और ककरा घाट के अंतिम संस्कार की जगह पर बाढ़ का पानी भर गया है, इसके चलते सड़कों पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दरअसल दारागंज में अंतिम संस्कार करने वाली जगह का इलाका संगम क्षेत्र का है। गंगा और यमुना में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं बाढ़ के चलते अब लोगों को समस्याएं भी होने लगी है। दारागंज इलाके और ककरा घाट में बाढ़ का पानी भरने से अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा और लोग सड़क पे ही शवों का संस्कार करने को मजबूर हैं। अब जैसे जैसे दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याएं और बढ़ेंगी। बहुत धुआं लग रहा है, बहुत परेशानी तो है। अब गंगा जी हटे तब सब रास्ता बनेगा। क्यों ये सड़क पे जलाई जा रही है, क्या है? पानी बाढ़ने की वजह से क्या क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ क्या है, धुआं बहुत है और क्या। हाँ, बहुत सड़क पे हाथ जल रही है, हम लोग के तकलीफ है। हम लोग पेड़ तरह भाग भाग सड़क पे रह रहे हैं। हाँ, ये सड़क पे जल रही है। हाँ, सड़क पे जल रही है। क्यों जल रही है? अब भैया सरकारी जमीन जब कहाँ है तो कहाँ थी सरकारी जमीन है, तब कहाँ की जाए। पहले घाट पे जलती थी, अब सड़क पे। हाँ, क्यों आ गई? और इससे आप लोग रहने वालों को क्या तकलीफ है? अब रहने वाले तकलीफ है, पानी बाढ़ आई है तो अब हम लोग सड़क पे, अब ना बाही बूढ़ी हमें पानी में, ना नान बच्चे लेके, अब यही है। अच्छा, तो ये जलने से क्या क्या तकलीफ होती है? अब जलने से अब यह आँख में धुकने लग रही है, मुर्दा जल रहा है, खाना पीना भी नहीं गट के खिला रहा है। और का ये मेगा टकरा घाट है, शमशान घाट यहाँ भी है। यहाँ पे जब बाढ़ आता है तो सबसे पहली बात, यहाँ के मोहल्ले के लोग भी इतना जो है ये सहयोग करते हैं कि किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लहास जलती है तो यहाँ वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे कोई बस्ती भी नहीं है। यहाँ लोकल लोग सब समझ लेते हैं कि बाढ़ के अनुसार ऐसा हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन ये कि असुविधा भी बहुत है, यहाँ पे बाढ़ आ जाता है तो यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं आता कि यहाँ जैसे बाढ़ आ जाए तो कुछ सरकारी सुविधा अगर हो जाता तो अच्छी बात है।